हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर महादेव, श्रावण का महीना चलने चालू होने वाला है। माना जाता है श्रावण में कोई भी कोई चीज किया जाए तो सुकोस्कार पूरा हो जाता है, कोई भी का कोई भी हो। बहुत रहता है कि हर मंदिर में शिवलिंग पे आप लोग जाते हैं जल चढ़ाने। जल चढ़ाने का एक विधि होता है, एक पालन होता है, कैसी का बाबा को पहले जल से नहाइए, फिर उनको शहद डालिए, शहद दूध डालिए, दूध डालने के बाद शुद्ध जल छीन चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद भस्म लगाइए, त्रिपुंड लगा दीजिए बीच में तिलाली का, उसके बाद जनऊ के पढ़ाइए, जनऊ के बाद पाक बेलपत्र। जब पाक बेलपत्र किए तो मन में जो भी आप कार्य बोल के चढ़ाएंगे वही कार्य होगा। ये उसके बाद लड्डू का भोग या पेड़ा का भोग लगे, फिर कपूर से आरती करिए, फिर उसे माफी मांगिए कि बाबा मैं भी भूल चुके, जितना मुझसे हुआ उतना मैं कर पाया। ये यहाँ का महत्व होता है सावन का। सावन में सबसे ज्यादा गन्ना दूध गंगा जल कुसा डाल के अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अनार का जूस से भी होता है, जैसे आप जैसा चाहेंगे वैसा अभिषेक करा सकते हैं। आपके हर कार के लिए अलग अलग अभिषेक होता है सावन में। बहुत लोग को अभी इसमें नौकरी का दिक्कत, पैसे का दिक्कत, घर में परेशानी, रोग नहीं ठीक हो रहा, दवा दम चल रहा है, दम ठीक हो, उसके लिए सावन अभिषेक कराए। एक मंत्र आपको बताऊंगा वो उससे करा लीजिए, दिखेगा। तो बाबा के दर्शन के लिए हर हर महादेव, वीडियो चलेगा तो शेयर कर, हर हर महादेव, बाबा लोग कृपा बना रहे सावन में।